हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसा कि टाइटल में आप देख चुके हैं, SWD, इस मशीन के बारे में आज हम बात करेंगे जो फिजियोथेरेपी में काम आती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस मशीन के बारे में। इस मशीन को कम्प्लीटली, इसका जो नाम है शॉर्ट वेव डायथर्मी है और शॉर्ट नेम इसका SWD है। ये मशीन मुख्यतः फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर काम आती है। और ये जो है मशीन फिजियोथेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग ही हम यूज करें, खुद यूज करने की कोशिश नहीं करें। बट आपका ये वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए आप कोई फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर फिजियोथेरेपिस्ट आपके ऊपर ये मशीन यूज़ कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस मशीन का पर्पज़ क्या है, कब यूज़ करनी है, कब यूज़ नहीं करनी है। तो एक बेसिक जानकारी अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें तो आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है। ये मशीन जो है मुख्यतया एक तरह से हीटिंग करती है और वेशो डायलेशन का काम करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, जिससे ब्लड का जो संचरण है वो अच्छे से हो पाता है और जो पेन की जो दिक्कत है उसमें पेशेंट को आराम मिलता है। लेकिन किस कंडीशन में इस मशीन को लगाना है ये फिजियोथेरेपिस्ट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तब भी इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हैं तो एज ए नॉलेज आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं पेशेंट लेटा हुआ है, इसके प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन अलग अलग प्लेसमेंट होते हैं। जैसे कि कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, घुटने का दर्द है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये मशीन यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने जो डेमो हम ले रहे हैं इसमें इनको कमर का दर्द है, तो सबसे पहले हमने एक टॉवल यूज़ किया है। इसका पर्पज़ ये है कि कई बार जो है पेशेंट लेटा हुआ है तो डायरेक्ट वायर से उसका कनेक्शन हाथ का या किसी भी बॉडी ऑर्गन का ना हो, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमने ये टॉवल यहाँ पर यूज़ किया है ताकि कोई करंट ना आए या किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और हमने दोनों जो इसके पैड हैं वो रखे हैं और उसके बीच में गैप होना चाहिए, और जो ये वायर है ये भी आपस में क्रॉस नहीं होने चाहिए, अन्यथा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो पहले सबसे पहले हम पूरा ही देख लेंगे। अच्छा, पेशेंट को लेटाने से पहले हम ये भी देख लेंगे कि पेशेंट ने कोई बेल्ट या कोई मेटल वाली चीज़ वियर कर रखी हो तो वो हम हटवा देंगे, लाइक कॉइन्स है, कुछ भी है मेटलिक चीज़ वो हम हटवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ें देख ली, सब कुछ कर लिया, अब हम चलते हैं मशीन के यूज के ऊपर, ठीक है। हमने स्विच ऑन किया, इसका मेन पावर वाला स्विच ऑन किया, ठीक है। अब इसके बाद पावर वाला स्विच ऑन करने के बाद हम जो है इस मशीन का जो टाइमर है वो सेट करते हैं, ठीक है। इस मशीन का टाइमर सेट कर लेंगे। टेन टू फिफ्टीन मिनट्स तक ये मशीन दी जाती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब इसकी जो पावर होती है वो हमें सेट करनी होती है, तो मेनली हम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2 से 3 तक इसकी पावर रखते हैं और फिर उसकी ट्यूनिंग को हम इंक्रीज करते हैं। ये ट्यूनिंग हमें 200 से 250 के अप्रोक्स लेके जानी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स रेंज है। पेशेंट की सेंसेशन कैसी है और पेशेंट का जो किस तरह का उसको हीटिंग फील हो रहा है ये हमें उससे पूछना है, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स वो एक डिजिट नहीं है। अब ये मशीन चालू हो गई और हीटिंग आना शुरू हो गई। अब बीच बीच में पेशेंट से हम जो है आई कॉन्टेक्ट करते रहेंगे और पेशेंट से पूछते रहेंगे कि उनको हीटिंग आ रही है या नहीं आ रही है। और पेशेंट को सबसे पहले हम ये ज़रूर बताएंगे कि जब भी उन्हें तेज़ हीटिंग लगे तो पेशेंट हमें इमीडिएटली कह दें, ठीक है, क्योंकि बर्निंग की कंडीशन हो सकती है। तो पेशेंट को हम ज़रूर ये चीज़ बता देंगे, और पेशेंट को अगर हीटिंग नहीं लग रही है तब भी वो बता दें तो ये पहले हम उसे समझा देंगे। अब ये मशीन चलती रहेगी। आजकल इस तरह की मशीनों में कुछ इमरजेंसी जो है बटन्स आते हैं, तो पेशेंट को हम वो पकड़ा देंगे और समझा देंगे कि अगर कोई ज़्यादा हीटिंग आ रही है या कोई इमरजेंसी हो रही है तो फटाफट से इसको दबा दें। जैसे कि इसको दबाया तो मशीन ने बीप करना शुरू कर दिया है, यानी कि मशीन ऑटोमेटिकली रुक गई है। अब वापस से रिस्टार्ट करना है तो हम जाएंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे, तो मशीन वापस से अपना वर्क करना शुरू कर देगी, ठीक है।
तो ये तो हो गई इस मशीन की एक एप्लीकेशन कि किस तरह से मशीन यूज करती है। अब हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इस मशीन को कहाँ पर यूज नहीं करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस मशीन का जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इस मशीन का जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है मेटल्स पार्ट। अगर मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में वियर कर रखे तो वो हटवा देंगे। अच्छा, कोई इम्प्लांट है, कोई इंटरनल इम्प्लांट है, कोई पहले की सर्जरी हुई है और उस पर्टिकुलर प्लेस पर अगर हमें ये देनी है या हम दे रहे हैं तो वहाँ नहीं देंगे। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पेशेंट जब भी आपके पास स्टार्टिंग में कंप्लेन लेके आएगा तब उससे पूछ ले कि कोई इम्प्लांट तो नहीं है। इसके अलावा प्रेगनेंसी वाली कंडीशंस में या कोई जस्ट सर्जरी हुई हो, किसी भी प्रकार की कार्डियो कार्डियक सर्जरी हुई हो, पेसमेकर लगे हुए हो, ठीक है, या इसके अलावा जो है कैंसर वाली कंडीशन हो या ओपन वुंड हो, तो ऐसी कंडीशंस में इस मशीन को यूज़ नहीं करना होता है, वहाँ ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें फिजियोथेरेपिस्ट को डिसाइड करनी होती है कि कहाँ किस कंडीशन में देनी है या नहीं देनी है। तो आप जो है इस मशीन के बारे में समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियोस में आपको सारी इलेक्ट्रोथेरेपी मशीनों के बारे में और कम्प्लीटली फिजियोथेरेपी से रिलेटेड टिप्स जो आप घर बैठे देख सकते हैं वो आपको मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमारा ये नया चैनल है तो इसको आप प्रमोट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।